पैकिंग हो गया है, यहाँ से वहाँ पे गाड़ी रखी है पैक होके, बट ये डिलीवरी काउंटर यहाँ पैकिंग। सो दोस्तों अभी हम एक सेकेंड ट्रिप नॉर्थ ईस्ट राइड करने के बाद, मेघालय राइड करने के बाद, मेघालय आसाम राइड करने के बाद हमारा एक नया ट्रिप का प्लान चल रहा है जो है हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आज से प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, हमारा पैकिंग स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट पैकिंग सब रेडी करके रखे है, सिर्फ पैक करना बाकी है। तो हम अभी दिखाएंगे आपको पैक करते क्या क्या ले जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस और ड्रीम राइड जो हमारा नहीं आप सबका भी होता है। तो हम जा रहे लेह लद्दाख, मैं और आकाशी जा रहे हैं। तो आपको अभी पैकिंग दिखाएंगे, लेट्स कैप्चर आकाशी एक्सप्रेशन। फाइनली हम लोग ड्रीम राइड के लिए तैयार है। सो कैसा लग रहा है अभी पैकिंग स्टार्ट करने, पैकिंग ऑलमोस्ट अरेंज करके रख दिया, पैक करने से पहले हम दिखाना चाह रहे थे। अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा कि जा रहे हैं। मैं एक्चुअली 5-6 दिन से बोल रही हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है कि मैं जा रही हूँ, बट फाइनली हम लोग जा रहे हैं। बट दुख भी लग रहा है, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये है मिया, इसको छोड़कर जाना, हमें इसे बोट करके जाना पड़ेगा। और ये राइड सिर्फ स्मॉल राइड नहीं है, हम कवर करने फुल सर्किट लेह लद्दाख का, और ये हमारा फर्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टुगेदर इन अ वन बाइक, बट इस टाइम बाइक अलग है, आपको पता चलेगा बाद कौन में सा बाइक कौन सा बाइक है। तो आपको दिखाते, आकाशी पहले बताएगी ये क्या क्या पैक कर रही है। अच्छा, पहले तो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि हम लोग क्या क्या लेकर जाएंगे। हाँ। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि जितना हो सके कम ही कपड़ा लेकर जाऊँ, क्योंकि ताकि हमको राइड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एक तो मेरा राइडिंग जैकेट है। सो ये रहा आकाशी का राइडिंग जैकेट, और नी गार्ड, क्योंकि लेडीज के लिए ना अभी तक अच्छे से नहीं मिला इनके साइज के लिए, तो हमने नी गार्ड ले लिया है अच्छा वाला। जीन्स तो मैं बस 3 जीन्स लेकर जा रही हूँ, और ऊपर से ये मेरा ग्लव्स है, ये मेरा कैप है, ये थोड़ा स्कर्फ है, और एक कैप है थर्मल, ये जॉकी का ये थर्मल, थर्मल, हाँ, थर्मल है, ये मैं डेकैथलन से ली हूँ, ये भी बहुत काम आएगा। ये ग्लव्स ली हूँ, और मैं बस 3 टी शर्ट लिया हूँ, और मतलब नाइट को सोने के लिए बस 2 टी शर्ट एक लोअर लिया हूँ, और एक मैं जैकेट ली हूँ मतलब नॉर्मल पहनने के लिए, और ऊपर से मैं अपना सनग्लास वगैरह और हॉट वाटर बैग, मेरा सम जैसे सनस्क्रीन लोशन 50+ वाला में ले लिया हूँ, और बहुत सारा मेडिसिन लाइक ये पेन रिलीफ मेडिसिन है, ये गैस का मेडिसिन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉल ले लिया हूँ, और ये है जेल मैंने पेन रिलीवल नैनो, ये है पेन रिलीविंग जेल है, ये फर्स्ट एड किट है, और यहाँ पर जैसे फीवर का मेडिसिन हो गया, सर्दी जुकाम का मेडिसिन, उसके बाद दांत दर्द कहीं पता नहीं ना अचानक से कब क्या हो जाए, तो मैं हर चीज का प्रिकॉशन लेकर जाना पसंद करती हूँ। सो मोस्टली हाई लेवल ये तुम्हारा बेसिक्स जो डेली स्टफ्स है। हाँ, एक तो मैं स्पोर्ट्स शू लेकर जा रही हूँ, और एक मैं ये मेरा स्पोर्ट्स शू है, और ये वाटरप्रूफ डेली शू है, तो जो बाइक राइड में भी काम आएगा और इजी होगा हमको ले जाना कैरी करना। सो अब मैं बताता हूँ मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ इस बार मेरे राइड पे। पिछले बार जब मैं गया था मेघालय तो बहुत सारा आइटम लेकर गया था, इस बार मैं बहुत ही शॉर्ट आउट कर दिया हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्या डेली मैं क्या पहनूंगा। डेली जो मेरा पहनने का होगा वो रहेगा मेरा राइडिंग जैकेट राइनॉक्स का, ठीक है, राइडिंग पैंट अगेन राइनॉक्स का, ओके, देन इसके साथ थर्मल्स हैं जो इसके साथ आते हैं, थर्मल के साथ है ग्लव्स, सो फुल राइडिंग गियर्स पे हूँ, शूज भी राइडिंग शूज भी लेके जा रहा हूँ, ओके, ये बेसिक स्टफ, प्लस रेन गियर्स है वो ये इम्पोर्टेंट है, जो दो चीज है जो मेरे डेली काम आएंगे राइड पे, बाइक राइड पे, और ये बिल्कुल अनप्लान्ड है। हमारा जो रूट है वो मोस्टली हाई लेवल डिसाइडेड है फुल सर्किट के लिए, बट जो इम्पोर्टेंट स्टफ है मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, गियर्स, शूज एंड एक डेली शूज जो मैं पहनूंगा कभी मुझे जरूरत पड़ी अगर मैं राइड नहीं कर रहा हूँ तो। अब आते हैं कपड़ों पे है मोस्टली थर्मल्स, तो ये मैं डेकैथलन से जैकेट लिया था जो -5 तक चलता है, ये हो गया बेसिक स्टफ जो ठंडे के लिए। जीन्स मैं सिर्फ 2 लेकर जा रहा हूँ, एक जीन्स और एक कार्गो, क्योंकि मेरे हर टाइम पे राइडिंग पैंट्स रहेंगे। 3-4 टी शर्ट्स, 2 टी शर्ट वो है जो स्वेट प्रूफ टी शर्ट्स है, सॉक्स ज्यादा कैरी कर रहा हूँ डेली, कुछ कुछ सॉक्स है, डेली ग्लव्स है वगैरह,
ये हाई लेवल है मेरी पैकिंग, ये हो गया हमारे डेली एसेंशियल्स और डेली नीड्स जो चाहिए हमें। अब आते हैं बाइक के लिए, बाइक में कैसे ये जाएगा ये सारा कुछ। तो अब जाते हैं बाइक में क्या लेके जा रहे हैं, क्या टूल्स और टूल्स किट क्या लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो डेली है मुझे क्या चाहिए, टूल किट चाहिए, टायर पंचर रिलेटेड, इन्फ्लेटर टायर खोलने के लिए, ये ऑक्स लाइट है जो मैं भेजा नहीं हूँ गाड़ी पे, ऑलरेडी मेरी गाड़ी चले चुकी है, ट्रेन से मैं शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये भी बाइक के, बाइक का रिलेटेड कवर, ये बाइक में जो लग जाता है हुक्स, बैग्स है, ट्यूब्स है, बंजी कॉर्ड है, ये टॉप बॉक्स है गाड़ी का, वो जाके उस पर फिक्स हो जाएगा, टॉप बॉक्स आ जाएगा बाइक पे पीछे, उसमें जो भी डिवाइसेस है वो आ जाएंगे क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। हम ले जा रहे हैं गाड़ी के लिए राइनॉक्स के ड्राइस्टर सेडल बैग। ओके, लास्ट टाइम भी हम कैरी किए थे इसको जीएस पे, तो सेडल बैग पे बहुत कुछ आ जाता है जो दोनों तरफ लगता है। इस बार हमारे पास एक और गार्डियन गियर्स का टैंक बैग, मैग्नेटिक टैंक बैग है, इस पे भी आ जाएंगे बहुत सारे चीज हमारे। और ये हो गया मोस्ट लेवल, हाई लेवल सारा कुछ जो बेसिक नीड्स है। सो दोस्तों, हम आ गए हैं जेसी रोड और अभी हम अपने बाइक की सीट मॉडिफिकेशन करा रहे, क्योंकि लेह लद्दाख के राइड में काफ़ी लॉन्ग राइड है, ऑफ रोड राइड है, तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी में। A few moments later. So, दोस्तों, सीट मॉडिफिकेशन करवाने के बाद हम आ गए हैं बैंगलोर रेलवे पार्सल ऑफिस और यहाँ हम अपनी बाइक को पहले स्टेप में हम पहले पैकिंग कराएंगे। सो वहाँ जाके पार्सल ऑफिस है, पार्सल रिसीव कर डिलीवरी के लिए है और वहाँ से उनको कराने का। भैया राउंड मार कर पेट्रोल ख़त्म कर। जो रेलवे पार्सल ऑफिस में क्या रहता है कि आपकी टंकी एम्प्टी होनी चाहिए, फ्यूल नहीं होना चाहिए, तो वो टेस्ट होता है, चेक होता है, फिर उसके बाद ही सबमिट होती है गाड़ी। तो भैया राउंड मार कर पेट्रोल ख़त्म कर। और ये है स्टैंडर्ड पैकिंग चार्जेस, ये टेंडर लेके किया गया यहाँ से। क्या घर से भी पिकअप करके जाता है क्या भैया? घर से भी पिकअप करता है तो ये नंबर पे कॉल करने से हो जाता है क्या? आप इस नंबर करो। हाँ, तो पिकअप हो जाता है डोर टू डोर सर्विस। हाँ, पैकिंग हो गया यहाँ से, वहाँ पे गाड़ी रखी है पैक होके, बट ये डिलीवरी काउंटर, यहाँ पैकिंग हुआ। अब यहाँ से चलते हैं बस। सो अभी हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को क्या क्या लेकर जाने वाले हैं, क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एज ए पिलियन भी जा रही हूँ तो लड़का लड़की दोनों का सामान रहता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा सेट कर लिया। तो इस बार राइड में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मेरा ड्रीम राइड है, कब से सोच रही हूँ। मेरा भी ड्रीम राइड है, कब से सोच रही हूँ। बस शायद अगर भगवान दिया तो इस बार अच्छे से जाकर आएंगे, बस वही है। आप लोग बढ़िया से प्यार करना, इस वीडियो को देखना, कैसे हम लोग तैयार हुए, कैसे हम लोग गए, और जो आगे का जो जर्नी है आप लोग को जितना हो सके कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से दिखाने का। थैंक यू। डिलीट कर।